नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा पैनिक स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसका प्राइस 1 रुपए के प्राइस से भी कम चल रहा है। उसका भी करंट मार्केट प्राइस 0.95 है और वो डेली 5-6% अपसाइड के मूव दे रहा है। डेली उसमें ट्रेडिंग भी हो रही है, लेकिन बाद में हो सकता है कि उसमें फिर सारा माल बिक जाए और डेली अपर टू ऊपर सर्कट लगे। तो वो स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, और आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने, पूरे ध्यान से सुने ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरे सुनने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उस शेयर का डिस्कस करने से पहले जिसका प्राइस 1 रुपए से कम है, कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी में जो पुराने मैंने आपको पैनिक शेयर दिए हुए थे उनका रिव्यू आपको करके बता देता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर सबसे पहले देख रहे होंगे HFCL, मैंने ये यहां पर आपको सबसे पहले 14 के प्राइस पर दिया था, 14 के प्राइस पर, और उस टाइम आपको किसी ने नहीं बताया था जब मैंने आपको ये वीडियो बताई थी। मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने 27 सितंबर 2020 को आपको ये 14.85 के प्राइस पर बताया था, और उसके बाद से जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन के बाद से ये वाला प्राइस नहीं आया। कंटिन्यू इसमें ट्रेडिंग हो रही है डेली, और डेली अपसाइड में चलता जा रहा है। और आप आज की डेट में देखोगे इसका प्राइस जो कल क्लोजिंग हुई है 25.90, तो इसने अभी रिसेंटली हाई जो बनाया है, हाई बनाया था इसने 27 के प्राइस के पास, 27.25। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप देखो कि पैनिक स्टॉक्स में जब आप एंटर करते हो तो आपको वेट करना पड़ता है। आप ये नहीं कि कुछ ट्रेड बोलते हैं सर बस 1 हफ्ते में या एक 7 डेज में ही हम ये मल्टीबैगर बन जाए, डेली अपर टू अपर ट्रेड चलता रहे, कहीं बीच में ना रुके, तो ऐसा कभी नहीं होता। जो मल्टीबैगर स्टॉक्स बनते हैं टाइम लेते हैं तब जाके वो मल्टीबैगर स्टॉक्स बनते हैं, क्योंकि जब स्टॉक्स नहीं चलता कोई पैनिक स्टॉक्स, तो मेरे पास काफी व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में ये मैसेज देखने को मिलती है, सर ये चल नहीं रहा क्या करूं, वो बार बार परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही स्टॉक, एक या दो स्टॉक्स पैनिक स्टॉक्स में अपनी कैपिटल लगा देते हैं। तो इसलिए पैनिक स्टॉक को ज्यादा बार बार नहीं देखना। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरी सर्च करके, तो फिर उसको इतनी जल्दी रिव्यू मत कीजिए कि आप डेली देखिए कि आज नहीं चल रहा, कल नहीं चल रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको 4-5 दिन नहीं चलेगा, 1 वीक नहीं चलेगा, लेकिन जब चलना स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें इस स्टॉक्स में, तो इस स्टॉक्स में अभी आप बने रह सकते हैं क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक मेजर रेजिस्टेंस ये होगा 26 के प्राइस के पास। इसके ऊपर जब क्लोजिंग कंटिन्यू मिलती जाएगी तो ये स्टॉक और भी बड़े बड़े टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट भी बता दिए थे जो हमारे अचीव हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको इसको डिप्स में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही बाई कीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि इसका यहां पर बॉटम बन चुका है। अभी आप दूसरा स्टॉक्स देखिए, AIRN, यहाँ पर भी देखिए कि ये मैंने आपको 12-13 के प्राइस पर कमेंट किया था इन लेवलों पर, और ये इसने रिसेंटली हाई बनाया 21 के प्राइस के पास, तो मैंने यहाँ कहीं आपको दिया था ये देखिए, बट ये कई दिन एक ही रेंज के अंदर रहा, लेकिन जब चढ़ना स्टार्ट किया तो वन साइडेड मूव दे दिया। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि पैनिक स्टॉक को कैसे होल्ड करते हैं। आप ये देखिए इसका ये भी एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ ये 12.85 का प्राइस था जब मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, और इसमें टारगेट स्टॉप लॉस भी दिया था कि अगर 8 के नीचे जाए तो एग्जिट हो जाना, लेकिन ये इसने 11 के नीचे ये स्टॉक नहीं गया। और आज की डेट में मैंने आपके साथ शेयर किया कि 21 का इसने रिसेंटली हाई बनाया, क्योंकि इसके दोस्तों फंडामेंटल काफी अच्छे थे, इसके कॉन्टिन्यू प्रॉफिट में थी कंपनी। और डिटेल में अगर देखनी है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। और इस स्टॉक को भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टाइम के लिए इसको डिप्स में बाई कीजिए, जितना इसके में गिरावट मिले स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में इसको बाई करते रहिए। इसी वीडियो में मैंने आपके साथ एक और स्टॉक शेयर किया था, ये देखिए पद्मजी पेपर, यहां पर आप देखोगे मैंने इन लेवलों के पास आपको बताया था, और ये देखिए ये काफी समय इसी लेवल के पास बिताने के बाद फिर वन साइडेड इसने मूव दिया, और रिसेंटली ये 25 का इसने हाई बनाया था, ये 14 के प्राइस के पास दिया था मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये 2 अगस्त को मैंने आपके साथ शेयर की थी, और इसी वीडियो में मैंने दोनों स्टॉक्स बताए थे, तभी देखिए करंट मार्केट प्राइस 14.75 था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक बेस बना रहा है यहाँ पर दोबारा, फिर ये चलना स्टार्ट होगा।
एक और स्टॉक्स मैंने आपको दो के प्राइस के पास रिकमेंड किया था, जेनिथ हेल्थ केयर, और ये देखिए 2 रुपए वाला शेयर 10.76 के पास इसने देखिए हाई बनाया। रिसेंटली भी मैंने अपने एक वीडियो में इसमें अपडेट दिया था, इसको डिप्स में ही बाई कीजिए, और ये देखिए दोबारा फिर इसमें बाइंग आई और दोबारा फिर से ये स्टॉक अपसाइड में चलते जा रहा है। तो मैं अभी ये कहूंगा इन लेवलों पर तो मैं बाय करने को नहीं बोलूंगा, नीचे ही मिले तभी आप इसमें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 22 अगस्त 2020 को ये वीडियो शेयर की थी, तब इसका प्राइस ये देखिए 2.26 था, और आज की डेट में आप देख ही चुके हो, और आज की डेट में ये 10.23 के पास। तो देखिए कितना मल्टी बैगर इसने रिटर्न दे दिए हैं। अगर किसी ने होल्ड किया होता पेशेंस के साथ तो रिटर्न अच्छे बनते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये, मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियोस की कि मैंने ये आपको स्टॉक्स बताए थे, मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि जब आप किसी पैनिक स्टॉक्स में अच्छी रिसर्च करके उसमें एंटर कर जाते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आज करोड़पति, जो भी आप कह लीजिए कि जिन्होंने अच्छा मोटा मोटा करोड़ करोड़ रुपए मुनाफा किया है, तो वो ऐसे नहीं बने। आप देखो कि काफी जो बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे मिस्टर के झुंझुनूवाला जी, बाकी और भी, तो उनके पास पैनिक स्टॉक्स हैं लेकिन वो इतनी जल्दी बेचते नहीं है, इतनी जल्दी नहीं, वो टाइम टू टाइम आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ बाद वो रिव्यू करते रहते हैं। बट वो सिर्फ एक पैनिक स्टॉक्स पर ही डिपेंड नहीं हो जाते, वो बाकी अदर स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर उनके उन्होंने अगर 4-5 पैनिक स्टॉक्स लिए, उनमें से 2 भी पैनिक स्टॉक्स चल गए, तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए वो इतनी जल्दी जब रिसर्च कर कर अच्छे से उसमें एंटर कर जाते हैं, तब वो उसमें बार बार ना तो उसमें एवरेज करते हैं और ना ही उसमें एग्जिट करते हैं। अब बात करता हूं जो आज मैं आपको एक नया शेयर बताने जा रहा हूं, नया एक पैनिक शेयर बताने जा रहा हूं, उसको भी अभी ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। स्टॉक का नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मार्केटिंग की कंपनी है, और आप देख सकते हो कि इसका प्राइस 0.95 चल रहा है, और ये देखिए कि पहले ये काफी समय है ये 0.40 के पास रहा, और यहाँ से देखिए कि डबल हो चुका है। पहले ये 0.80 गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा फिर अब अपसाइड में चल रहा है। तो इसका मैं आपको मंथली चार्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप मंथली चार्ट इसका देखिए, ये देखिए ये इसका जो स्टार्टिंग का प्राइस था 2015 में, 2015 में 0.30 था, ऊपर गया 60 के पास, फिर नीचे, और अब ये देखिए कि अपसाइड में चलना स्टार्ट हो गया है। उसकी वजह क्या है, इसके फंडामेंटल दोस्तों। जब आप किसी पैनिक स्टेक में इंटर करते हो तो सिर्फ आपने ये नहीं देखना है कि इसका प्राइस कम है तो आपने इसमें इंटर कर लिया, क्योंकि मेरे पास काफी व्हाट्सएप पे क्वेरी थी, सर ये देखिए ये शेयर काफी कम प्राइस पे मिल रहा है, तो उसके आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसके मैनेजमेंट को एनालिसिस कीजिए, तब आप उसमें इंटर कीजिए। अगर मैं चार्ट पर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आप देख सकते हो कि लास्ट वाले मंथ में काफी अच्छे वॉल्यूम से इसमें बाइंग हुई, पहले भी यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये एक प्राइस के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था तब ये देखिए इसमें बाइंग हुई है, फिर ये भी देखिए वॉल्यूम काफी अच्छे से बाइंग हुई है, लेकिन जो इसमें प्राइस नीचे की साइड आया था वो यहाँ पर देखिए कि लो लो मतलब कम वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग हुई थी। अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है, और इसका मार्केट कैप जो अभी सिर्फ 162 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू 1.790 है, उसके अभी नीचे ही प्राइस चल रहा है। बट अगर अगर हम बेसिक हम देखें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, बट इसकी एक सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी डेब्ट फ्री, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि सेल्स अभी रिसेंटली 9.03 करोड़ थी, और ये देखिए लगातार ये 9 करोड़ के आसपास इसमें सेल्स आ रही है। लेकिन पहले क्या था कि ये कंपनी देखिए मार्च 2020 से पहले ये माइनस में थी, लेकिन जून के क्वार्टर और सितंबर के क्वार्टर दोनों में प्रॉफिट देखिए इंक्रीज हुआ। जून के क्वार्टर में 1.03 था और सितंबर के क्वार्टर में 1.38 है, तो इसमें क्वार्टरली क्वार्टरली अभी लास्ट के 2 क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है। और अगर आप एनुअली आप प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करते हो तो भी आप देखते हो कि कंपनी का पहले कुछ सालों से, या देखिए 2014 से जो इसका माइनस में था, लॉस में थी कंपनी, वो लॉस में देखिए इंक्रीज हो गया था यहाँ पर 2018 में और 2019 में भी, लेकिन मार्च 2020 में -24
जो पहले 2019 में -166 था और मार्च 2020 में -24, तो अभी आगे भी इसमें ये है कि इसमें और भी कम हो जाएगा ये लॉस। और अगर यहाँ पर आप बोरिंग देखें, जो डेप्ट देखें, तो डेप्ट 26 है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आप सिर्फ अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात देखें तो 19.65 प्रमोटर के पास होल्डिंग है, कि यही थोड़ा सा एक और वीक पॉइंट है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग काफ़ी कम है। ज़्यादा जो आप देख सकते हो कि सिर्फ पब्लिक के पास ही सारे शेयर्स हैं। अभी दोस्तों इसमें दाव लगाने का सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी सारी जो आईटी और सॉफ्टवेयर की कंपनी है उनमें सभी में प्रॉफिट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर क्वार्टरली रिजल्ट के प्रॉफिट अगर लगातार अच्छे आते हैं तो फिर ये स्टॉक्स अपसाइड में जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, जो दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, तो वो भी एनालाइज करने पड़ेंगे जब आएंगे। तो अगर वो भी अच्छे आ जाते हैं तो ये स्टॉक और भी आगे मूव करता रहेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट पर इसमें जरूर फोकस करें। अब बात रही कि आपने एंटर इसमें जरूर कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह ट्रेडर हैं तो इसमें 1,000-2,000 ही क्वांटिटी बाई कीजिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर अगर इसमें मल्टीबैगर जब बनेगा तो यही आपको क्वांटिटी काफ़ी अच्छे में प्रॉफिट देगी। क्योंकि आप क्या करते हैं कि सिर्फ पेनी स्टॉक्स में ही ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, फिर दिन रात उसी को देखते रहेंगे, ये अप जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये स्टॉक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको डेली नहीं देखना, एक बार स्मॉल क्वांटिटी लगाकर इसमें भूल जाइए। जब अगर लगातार इसमें प्रॉफिट अच्छी आए तो ये फिर स्टॉक्स काफी ज्यादा अपसाइड में जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए फिर इसमें टारगेट, इसमें आपका 7 का टारगेट और 20 का टारगेट आ जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो अगर इसमें माइनस में रिजल्ट आ गए तो अगर आपने जो फिर एंट्री की होगी तो वहां पर फिर इमिडिएटली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई पैनिक स्टॉक्स में एंटर करते हो तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ तो वहां पर होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट हमें एनालाइज करने पड़ते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने पैनिक स्टॉक्स में एंटर कर लिया तो मैं 1 वीक में प्रॉफिट लेकर या 2 हफ्ते में निकल जाऊंगा। आपको एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। और ये 1 रुपये वाला तो स्टॉक ऐसा है कि ये अगर इसमें 7 के प्राइस तक भी जाना है तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये 10-10, 20-20 पैसे करके ऐसे अपसाइड में चलते हैं। तो ये नहीं कि आप अभी एकदम से ये 7 का टारगेट, 7 का टारगेट आने में भी इसमें 8 से 10 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए स्टॉक्स में एंटर तभी कीजिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहते हो। और साथ में दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर भी रहेगा कि स्टॉक्स में एंटर करने से पहले, किसी भी स्टॉक्स में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, तभी आप एंटर कीजिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको सिर्फ यही था कि मैं आपको एजुकेशन दे सकूं कि पैनिक स्टॉक्स को कैसे एनालिज किया जाता है और कैसे उसमें पेशेंस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 4-5 शेयर एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।